नमस्कार, आप सबका स्वागत है डाइन मंचूरियन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी मंचूरियन। आपने बहुत अलग अलग तरीके के मंचूरियन खाया होगा, बट आज हम बनाएंगे मैगी मंचूरियन। चलिए हम मैगी मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है। पानी को हमें बॉईल कर लेना है। अब हमारा पानी जो बॉइल हो चुका है, इसमें मैं दो पैकेट मैगी डाल दूंगी। और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ कांदा, शिमला मिर्ची, गाजर और इसे अच्छे तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे मैगी मसाला। और थोड़ा सा नमक। और इसमें हम चला लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से सुखा लेना है। अब आप देख सकते हो मैगी हमारी सूख चुकी है। और हमें गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है। और मैगी को हमें ठंडा कर लेना है 10 मिनट के लिए। अब मैगी हमारी ठंडी हो चुकी है। हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 पैकेट मैगी मसाला। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मैगी के बॉल बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ड्राई मैगी ले लिया है। हमें हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लेना है पहले, फिर मैगी के बॉल बनाना शुरू करना है। इस तरह से हमें बॉल बनाना है। ड्राई मैगी में इस तरह से हमें चिपका लेना है। और इसी तरह से हमें सारे मैगी के बॉल बना लेना है। अब मैंने यहाँ सारे मैगी के बॉल बना लिए हैं और इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हमने जो मैगी के बॉल्स बनाए थे उसे फ्राई कर लेना है। अब इसे हमें हल्का लाल होने तक फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं मैगी के बॉल्स अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। हमें अब इसे निकाल लेना है। और इसी तरह हमें सारे मैगी के बॉल्स को फ्राई कर लेना है। अब हम मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच तेल। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चिल्ली कांदा और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, जैसे कि आप घर में नॉर्मली बना लेते हो। और साथ ही हम डालेंगे शिमला मिर्ची, गाजर
और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब देख सकते हो सारे भाजी हल्के लाल हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच डार्क सोया सॉस, एक चम्मच टमाटो केचप, और एक चम्मच शेज़वान चटनी, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमें हल्का सा नमक डालना है, सॉस में पहले से ही नमक होता है। और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने एक चम्मच कॉर्न फ्लोर ली है और इसमें एक चम्मच पानी ऐड किया है। हमें इसे ग्रेवी में डालना है ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो हमने मैगी बॉल्स फ्राई किए थे वो इसमें हमें डाल देना है। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को बंद कर देना है। अब हमारा मैगी मंचूरियन खाने के लिए रेडी है और आप इसे नाश्ते में सर्व कर सकते हो। आप भी ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।